नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम अपनी पुलिस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनता से रूबरू होने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर पुलिस के डीआईजी राकेश गुप्ता जी। सर, आपका सिटी न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू मैं जी, थैंक यू। आदरणीय डीआईजी साहब, लगातार इंदौर पुलिसिंग सिस्टम को सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या कुछ है इंदौर पुलिस का एक्शन प्लान, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं, देश में इन दिनों जो सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है, मासूमों के साथ जो दरिंदगी हुई है और एक तरीके से समाज में आई विकृति को लेकर जो पुलिस की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, उस संवेदनशील मसले से शुरुआत करेंगे आज अपनी पुलिस में खास बातचीत की। सर, देश में, समाज में एक विकृति इन दिनों देखने को मिल रही है। बात चाहे देश की राजधानी दिल्ली में गुड़िया के साथ हुई रेप की घटना हो, या हमारे मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के राऊ इलाके में एक 5 साल की मासूम के साथ जो बलात्कार की घटना सामने आई, क्या लगता है सर, कहां पर आपको लगता है समाज में जो बुराइयां हैं वो इन दिनों हावी हो चली हैं और पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है मासूमों की सुरक्षा की? मयन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो घटनाएं मासूमों के साथ हुई हैं उनसे निपटने की एक चुनौती है। जी जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम पूरी तरह सक्षम भी हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोक सकें। बिल्कुल, क्योंकि घटना हो जाने के बाद पकड़ना तो एक चीज़ है ही। जी जी, बिल्कुल। रोकने के भी प्रयास होने चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि एक सामाजिक विकृति अब समाज में आई है। जी जी जी। मुझे लगता है कि पुलिसिंग एक्शन तो एक और है। बिल्कुल, कानून अपना एक और है और कानून का दबदबा होना चाहिए, कानून का डर भी होना चाहिए। जी जी। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक और चीज़ हमें और आवश्यक लगती है। जी जी। जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि समाज में एक अवेयरनेस की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अवेयरनेस है हमें हमारी मॉरल एजुकेशन की, जो बच्चों को दिया जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। शुरुआती दौर से दिया जाना चाहिए। और जो मैं देखता हूँ कि जहाँ अपराध जन्म लेता है वो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो आर्थिक असमानता के कारण जी जी बहुत ज़्यादा अपराध जन्म लेता है। जी जी, बिल्कुल। समाज का वो वर्ग जो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ गया है और समाज की उस मुख्य धारा की दौड़ में शामिल नहीं रह पाया है, उसके कुछ नवयुवक या कई बार तो नाबालिग भी अब उसमें सामने आ रहे हैं। जी जी, वो अपराध को एक रास्ता बना लेते हैं समाज की मुख्य धारा उस मुख्य दौड़ में शामिल होने के लिए। जी जी। और वो छोटे रास्ते के से तय करते हुए समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। हमें ये आर्थिक असमानता भी धीमे धीमे कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। और साथ ही दूसरी जो चीज़ जो मैंने बताया कि अब समाज में एक मॉरल एजुकेशन की और एजुकेशन की जो आवश्यकता है जी जी, उस पर पुनः जोर देना पड़ेगा। जो हमारी पुरानी शिक्षा की रीति नीति थी और जो हमारे पुराने मॉरल वैल्यूज थी उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना होगा। बिल्कुल, तभी इस तरह की घटनाएं, जो चाहे दिल्ली की घटना हो या हमारे इंदौर में राऊ में हुई घटना हुई हो, बहुत ही मासूम और छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी घटनाओं पर हम एक होलिस्टिक रोक लगा पाएंगे। बिल्कुल, कानून उसका एक, आप जैसा बोल रहे थे, कानून तो उसका एक माध्यम है ही। बिल्कुल, कानून जितना कड़क होगा और कानून में जितनी अच्छी कार्रवाई हम कर पाएंगे उससे भी इन सब चीजों में रोक लगेगी। ठीक बात है सर, बेहद ही गंभीर और संवेदनशील तरीके से आपने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। सर, आपका भी लंबा एक पुलिसिंग करियर है और एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपका समाज में जो तमाम घटनाएं या कहा जाए जो अपराध घटित होते हैं उस पर आपकी पैनी निगाहें हरदम जमी रहती हैं। बात चाहे इंदौर की हो या इससे पहले जब आप उज्जैन में रहे, उसके पहले जब आप धार में रहे, तो बतौर वरिष्ठ अधिकारी सर आपका अनुभव क्या है समाज में? जैसा आपने कहा कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, संस्कारों के परंपराओं की याद दिलाने की नौजवान पीढ़ी को आवश्यकता है, उसके साथ साथ आपको लगता है ये जो घटनाएं हुई हैं दिनों दिन, चाहे मध्य प्रदेश में सिवनी में जो घटना हुई, इंदौर में जो घटना हुई, दिल्ली देश की राजधानी में हुई, इन तमाम घटनाओं की वजह से जो पुलिस की एक छवि है, जो समाज को सुरक्षित रख पाने का जो एक जज्बा है, वो भी कहीं ना कहीं हुआ है, व्यक्तिगत आपका क्या नजरिया बनता है इन तमाम घटनाओं के बाद? देखिए, पुलिस तो हमेशा ही अपनी ओर से प्रयास करती है कि इस तरह घटनाएं ना हो, और घटनाएं हो भी जी जी, तो हम उन घटना में जो आरोपी हैं उनको पकड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत आवश्यक है कि अब समाज में भी, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक बहुत बड़ा जो पहले एक रोक हमारे समाज में वो थी हमारा संयुक्त परिवार। जी जी, बिल्कुल ठीक। हम ये देखते थे कि जब हम संयुक्त परिवार में रहा करते थे जी जी जी, तो छोटे बच्चों पे बड़ा कंट्रोल सभी लोगों का रहता था। अगर पिताजी घर में नहीं है तो चाचा रहते थे, ताऊजी रहते थे, तो घर में कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा, कोई ना कोई वयोवृद्ध ऐसा रहता था जो बच्चों को लगातार मॉरल वैल्यूज देता रहता था। अब जो समाज में एक बड़ा परिवर्तन इस बात का आया है कि संयुक्त परिवार विघटित हो गए हैं,
लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए दूर दूर जाने लगे हैं, तो अब बच्चों पे उनकी परवरिश में जो बड़ों का एक योगदान था वो थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा है। और चूंकि अब समाज में परिवर्तन आया है, तो इस बदलते परिवर्तन के युग में जो अपराध घटित हो रहे हैं और जिस तरह का अपराध की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें पुलिस के लिए तो एक वास्तव में बड़ी चुनौती ये बनकर सामने आई है। और जब कभी घटनाएं होती हैं तो पुलिस को उन घटनाओं को रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए विशेष प्रयास और विशेष चीज़ें हमें करनी ही पड़ती हैं। हम भी अपनी ओर से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में अपने फोर्स को भी सेंसिटाइज करें और फोर्स के सेंसिटाइजेशन के साथ साथ जो फोर्स से जुड़े लोग हैं, जो हमारा एक मुखबिर तंत्र है, उसको भी हम करें। इस तरह के जो अपराधी हैं, जो इस तरह के अपराधों में पूरी तरह से पूर्व में भी लिप्त रहे हैं, उन पर भी हम अपनी कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और उम्मीद करते हैं कि जो समाज में विकृति आई है वो जरूर दूर होगी और नैतिक शिक्षा के जरिए कहीं ना कहीं समाज में एक अलख जगाने की जो कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं कामयाब होगी। सर, आगे बढ़ते हैं। राऊ में जो घटना हुई थी, 5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाकर एक दरिंदा जो है दूर चला जाता है, उसके बाद सियासत भी होती है, तमाम जो राजनीतिक दल है वो वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। राजेंद्र नगर थाने के अंतर्गत ये घटना हुई थी, मुझे याद है कि उस दरमियान जो क्षेत्र के नेता थे उन्होंने इलाका भी बंद कराया, विधानसभा में रैलियाँ भी निकाली। मासूम के साथ हुई घटना के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं टारगेट किया था सियासी दलों ने। आपको लगता है सर कितनी बड़ी चुनौती थी ये इंदौर पुलिसिंग सिस्टम के लिए, इंदौर पुलिस के लिए, और कैसे आपने इसको एक उपलब्धि में तब्दील कर दिया, सफलता आपको कैसे मिली, पूरा एक्शन प्लान क्या आपने बनाया था सर इसको लेकर? वास्तव में एक बड़ी ही गंभीर घटना थी ये, जब एक बहुत छोटी बालिका, हमारी राऊ क्षेत्र की रहने वाली, लगभग 3.5-4 साल की ये बच्ची है, बिल्कुल, जिसके साथ एक बड़ा ही घृणित कृत्य किया गया। और इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये थी कि बच्ची इतनी छोटी थी कि वो आरोपी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स भी हमें बताने की स्थिति में नहीं थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी। एक और बहुत बड़ी परेशानी इस बात की थी कि जो आरोपी था उस क्षेत्र के लिए नया था, तो वहाँ उसको एकदम से नाम से जानने वाले लोग हमें नहीं मिले। और जब ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं तब हमें विशेष प्रयास और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे ही ये घटना घटित हुई, उसके तुरंत बाद ही जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी आप बता रहे हैं वो थी, और जो मुझे लगता है कि कभी कभी समाज में इस सब चीज़ों को लेके आक्रोश की स्थितियाँ आजकल ज़्यादा बन रही हैं, तो उन चुनौतियों से निपटना तो एक हमारा काम था ही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो ये थी कि इस बच्ची के साथ जिसने भी घृणित कृत्य किया है उस अपराधी को हम कानून के शिकंजे में ला सकें, उसको कानून के दायरे में ला सकें, बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए हमें एक बड़े प्रयास की आवश्यकता थी। और इसमें महेंद्र जी एक बात बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में हम लोगों ने पहले ये सोचा कि कोई टेक्निकल चीज़ या कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पकड़ पाएंगे, सर, तो बहुत विचार करने के बाद जब हमारे सभी अधिकारी हमारे साथ बैठे तो हमें लगा कि ये टेक्निक या किसी टेक्नोलॉजी से निकलने वाला काम नहीं है, इसमें हमें ट्रेडिशनल पुलिसिंग पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। और ट्रेडिशनल पुलिसिंग वही है कि हम घर घर जाएं, एक एक आदमी को तलाशें, एक एक आदमी से बात करें, तो आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ खबर हमें इसमें निकल कर आएगी। बहुत अच्छी बात है। माननीय आईजी साहब भी इसके स्पॉट पर गए और आपने भी पूरा स्पॉट विजिट किया, और स्पॉट को देखने के बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि जिस तरह की वो घटना थी, ऐसा लगा कि जो अपराधी है वो घटना स्थल पर कहीं आसपास जरूर रहा होगा, काफी देर उसने वहाँ विचरण किया होगा और यही एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि जो बच्ची के साथ जो कृत्य किया गया वो उसके घर से करीब 500-600 मीटर की दूरी पे किया गया था, और वो जो स्पॉट था वो किसी अनजान आदमी के जाने लायक नहीं था। तो ऐसा देख के लगता था कि जो भी अपराधी है उस क्षेत्र की टोपोग्राफी से वाकिफ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी करीब 20 से लेकर 25 टीमें इस चीज़ के लिए बनाई, और जो तमाम क्षेत्रों में अपना भ्रमण करती रही। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ कि एक टीम का काम सिर्फ ये दिया गया था कि आप पूरे बागरी मोहल्ले में घूमिए और एक एक आदमी से चर्चा करिए, और चर्चा करने के बाद उनसे पहले तो ये पता करिए, इस टीम का काम ये था कि किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते देखा हो या उसने कुछ हो, तो इसमें भी हमें काफ़ी खबरें मिली और जनता का मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आगे बढ़ बढ़ के हमें इस केस में सूचनाएँ दी। दूसरी एक टीम हमारी ये थी कि वो घर घर जाती थी और वो ये पता करती थी किसी घर में कोई मेहमान तो नहीं आया। बहुत अच्छी। एक चीज़ हमें ये भी लगती थी कि कहीं किसी का कोई मेहमान आया हो और अब वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से
अगर कोई इस तरह का कृत्य करके चला भी गया हो तो वो सूचना हमारे पास तक ना आ पा रही हो, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी इस तरह की सूचना हमें दे सकते हैं। तो एक टीम इस बात के लिए लगी थी। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य इस घटना में था कि जो आरोपी था उसके बारे में ये कहा गया था कि वो शराब का नशा किए हुए था। तो इस तथ्य के लिए भी हम लोग लगातार थे कि कहाँ कहाँ शराब मिलती है और कौन कौन लोगों ने कब की। और जब हम इन्हीं सब चीज़ों में अपना टीम हमारी काम कर रही थी तभी एक महत्वपूर्ण सूचना हमें मिली जी, और आरोपी के बारे में हमें जानकारी मिली। और आरोपी को जैसे ही हम पकड़ कर लाए जी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें उसका उसमें लिप्त होने की संदेह पैदा करती थी। जी बिल्कुल। उसके गले के पास एक नौचनी के निशान थे और ये निशान के बारे में जब उससे पूछा गया कि उसको ये निशान कैसे बने जी जी तो कोई बहुत संतोषजनक उत्तर उसने हमें नहीं दिया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्निक्स हम लोगों के पास हैं और पुलिस में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी बड़ा कॉमनली होने लगा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने संदेह को पुख्ता करने के लिए इसका डीएनए सैंपल भेजा गया और बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य ये सामने आया कि डीएनए सैंपल में आरोपी का जो डीएनए है वो उन सभी चीज़ों से मिला जो सैंपल हमने भेजे थे। क्या सर ये पेशेवर इस तरह का अपराधी था? इसके पहले भी उसने इस तरह के किसी वाकये को अंजाम दिया था या? ये बेसिकली इसकी उम्र काफ़ी करीब 25-26 साल का ये हो चुका था, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो एक तो मुख्य कारण जो समझ में आता है वो इस तरह की चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। और नशे की हालत में था। तो एक वो भी कारण जो है वो हमें सामने दिखाई दिया। हालांकि इसका पूर्व में कोई 376 का अपराध हमें नहीं समझ में आया। जी जी बिल्कुल। और यही एक कारण था कि इसको निकालने के लिए हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। हाँ, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी पुरजोर मेहनत करने के बाद पुलिस की जितनी भी टीम्स कहीं थी, कोई घटनास्थल के आसपास का क्षेत्र का को देख रही थी, कोई इलाके के सारे चौकीदारों का ही विवरण ले रही थी, जी जी। कोई एक शंका हमें ये भी थी कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी में बैठ के निकल गया हो, तो उस क्षेत्र से उस समय जितनी बसेस निकली, जितने ट्रक्स निकले, उनकी भी छानबीन। जी जी, तो तमाम तरीके से जो कई सारे टास्क पूरे करने के बाद इसको शिकंजे में आपने लिया। पुलिस की जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है जी जी, उस तरीके से सहारा लेके हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि देश में वाकई में अगर गुड़िया या कहा जाए जो दामिनी के साथ जो हवस का जिन्होंने अपना शिकार बनाया और जो दरिंदगी को अंजाम दिया उसको लेकर के पुलिस बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है, ऐसा कहा जाना गलत है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की चुनौतियां हैं वो भी एक तरफ है। और मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है या कहा जाए कि सामूहिक रूप से मीडिया को इस बात को भी कहीं ना कहीं समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि पुलिस तंत्र की जो कड़ी मेहनत है वो भी इस तरह के दरिंदों को पकड़ने के लिए लगातार मेहनत करती रहती है। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो समाज में होने वाली तमाम घटनाओं पर अपनी चौकस निगाह रखते हैं, जैसा कि इंदौर पुलिस ने किया। सर इस पूरे जो तमाम आपने पर्दाफाश किया कहा जाए जो मासूम के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई, इसके लिए जरूर इंदौर की जनता भी कहीं ना कहीं इंदौर पुलिसिंग सिस्टम की पीठ थपथपाती है। आगे बढ़ते हैं सर, इंदौर शहर से जुड़े अन्य मसलों पर अगर हम बातचीत करें, पिछले दिनों देखने में आया सर इंदौर में जो दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पार्किंग की समस्या है, दूसरी ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस जरूर इंदौर पुलिस या कहा जाए ट्रैफिक पुलिस बार बार कोशिश करती है उसको बढ़ाने की, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक को लेकर जो सिविक सेंस है वो अब भी उस हद तक नहीं पहुंच पाया है। आप क्या महसूस करते हैं इन दोनों ही बड़ी समस्याओं को लेकर, कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी? वास्तव में एक मैं जी बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारा शहर तो ऐसा नहीं है कि हम इस शहर में लास्ट सिटी और हम रोडों को पकड़ के खींच दें या चौड़ी कर दें तो चौड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। रोडें तो अब अपनी उसी स्थिति में जिस स्थिति में पहले थी। जी जी। और आप मानेंगे कि वाहनों की संख्या लगातार हमारी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही दिनों दिन। और हर आदमी के पास अब एक अपना पर्सनल गाड़ी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो किसी के पास कार है, और सभी को अपने अपने कामों के लिए जाना है और जल्दी भी जाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात बिल्कुल है कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती अब शहर के लिए है और पुलिस के लिए तो ये और ही बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। हमारे जितने भी चौराहे हों, चाहे हम पलासिया चौराहे की बात करें, चाहे हम अपने लिंटन चौराहे की बात करें, चाहे हम अपने अग्रवाल चौराहे की बात करें, तमाम चौराहे ऐसे हैं कि जिनमें अब ट्रैफिक उन चौराहों की क्षमताओं से ज़्यादा हो गया है। हम लोग बहुत देर स्टडी करते रहे जैसे पलासिया चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, तमाम प्रयोग हम लोगों ने किए कि किस तरीके से उन सब चीज़ों को कर पाएँ, कैसे हम लेन सिस्टम को मेंटेन कर पाएँ कि राइट जिसको लेफ्ट जाना है वो लेफ्ट की लेनों से खाली मिले। बड़ा लंबा प्रयास हम लोग इस बात के लिए कर रहे हैं कि लेफ्ट के आदमी को वेट ना करना पड़े, वो सीधा निकल जाए तो एक वेटिंग टाइम स्टेट का भी लोड कम बच जाता है, स्टेट का भी लोड कम हो जाता है। जी। इसी तरह राइट के लिए लोग राइट की लेन में खड़े हों। काफ़ी प्रयासों के बाद हमने पाया कि जब भी
वेटिंग टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग लेन का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं व्याग्रता उनमें आ जाती है और कुछ जल्दबाजी उनके अंदर आ जाती है, तो वो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में खड़ा हो जा रहा है। फिर फाइनली हम लोगों ने वन रोड एट ए टाइम का सिस्टम शुरू किया पलासिया में, आप लोगों ने देखा होगा कि अब एक बार में राइट स्ट्रेट सब एक साथ ही खुलता है। उसका मुख्य कारण यही रहा कि जब लेन का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था तो कई बार ऐसी स्थिति बनी कि स्ट्रेट वाला राइट में खड़ा हो गया और पूरा राइट का ट्रैफिक ही खड़ा हो गया उसके कारण। तो फिर फाइनली वन रोड एट ए टाइम का सिस्टम शुरू हुआ। बहुत सारे प्रयोग हम लोग अपने इन सब चीज़ों में कर रहे हैं, ट्रैफिक के टाइमिंग्स को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकें, इसके लिए हमारी बड़ी एक स्टडी चल रही है कि हम, क्योंकि हमारा मानना है कि जितना ज़्यादा रेड लाइट का टाइम होगा उतना ही ज़्यादा वेटिंग लोगों की बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा वेटिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसको निकलने में समय लगेगा, एक सर्किल टाइप का बन जाता है। क्या ऑप्टिमम टाइम हम रखें उस बारे में हमारी, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से भी हम लोग इसमें अपनी राय ले रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, और लगातार हमारी वही इसमें प्रयास भी जारी है। इसी दिशा में एक बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं कि अब हम सीसीटीवी कैमरे सभी जगह लगाएंगे। बहुत बड़ी बात। और सीसीटीवी कैमरों से ये कोशिश भी करेंगे कि ट्रैफिक का वॉल्यूम हम देख सकें कि कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम कहाँ है, और सिग्नल की टाइमिंग भी उसी अनुसार कर सकें, ताकि कभी ऐसा ना स्थिति बने कि ग्रीन है और लेन पूरी खाली हो गई और आगे दूसरी लेन वाले रेड में उनका वेट कर रहे हैं। तो ट्रैफिक टाइमिंग्स ऐसी रहें कि जिसमें मिनिमम ट्रैफिक टाइमिंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक निकाल सकें, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग करेंगे। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग जैसा आप बता रहे थे कि ट्रैफिक के नियमों की अवेयरनेस के साथ साथ हमें एनफोर्समेंट भी करने की आवश्यकता है। तो अब एनफोर्समेंट अभी तक होता ही था कि हमारे ट्रैफिक के जवान खड़े होकर करते थे, उनकी एक सीमा है, हर जगह हर चौराहे पर हम अपने आदमी नहीं खड़े कर सकते, पर हमारा कैमरा हमारे चौराहे पे लगा सकते हैं। तो अब ये सोचा गया है कि हम कई जगह सर्विलेंस कैमरों का उपयोग ट्रैफिक एनफोर्समेंट में भी करेंगे, जिसके लिए ई चालान हम लोग एक जो हमारा बोर्ड से भी चल रहा सिस्टम है। तो अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रैफिक का जवान खड़ा ना दिखे लेकिन कैमरे की निगाह में आप दिखाई देंगे। तो हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय वॉच्ड रहेगा। क्या सर इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि जिन चौराहों पर ये कैमरे लगने वाले वहाँ की जनता थोड़ा अलर्ट हो जाए कि कैमरे की निगाहें उन पर? जी हाँ, अभी शीघ्र ही हम इसको चालू करने वाले हैं, और जब भी हम कैमरे लगने शुरू होंगे वैसे ही इसका हम प्रचार प्रसार शुरू कराएंगे कि अब हम कैमरों से आपको चालान दे रहे हैं। पहले दौर में सर कौन कौन से ऐसे चौराहे हैं जो आपने चुने हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं? अभी तो 37 ऐसे चौराहे हैं जिनमें अभी हमारे सीसीटीवी कैमरे हमने लगा दिए 37 है, और आगे भी करीब 250 जगह ऐसी हैं बिल्कुल, और इनके अलावा जिनमें हम कैमरे लगाने वाले हैं। तो अब वो फेसेस में हमें जैसे जैसे सैंक्शन मिलती जाएगी वैसे वैसे हम उनको कैमरों को फिट करते जाएंगे। तो ये कैमरे ना सिर्फ ट्रैफिक एनफोर्समेंट, इसके अलावा सर्विलेंस भी है, क्राइम के लिए भी सर्विलेंस देंगे, पर इसका एक एडेड एडवांटेज हम ट्रैफिक एनफोर्समेंट में भी कर पाएंगे। तो एक बार जहां लोगों ने नियमों का पालन करना शुरू किया, ट्रैफिक नियमों का पालन करना शुरू किया, तो ट्रैफिक अपने आप ही उसकी परिपाटी में आगे बढ़ता, परिपाटी में अपना व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। सर पार्किंग की जो समस्या है, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हैं या कहा जाए जो आज के जमाने की मॉडर्न टाउनशिप्स हैं, वहां पर रहने वालों की संख्या ज्यादा है, मॉल में खरीदारी करने या आवाजाही की जो संख्या है, मात्रा है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पार्किंग के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जो क्षेत्र का थाना होता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पार्किंग को भी सुनिश्चित करे, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि पार्किंग की कमान संभाले। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो तमाम बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, इंदौर जो लगातार विकासशील शहर की श्रेणी में आ खड़ा होता है, वहां पर जो विकास हो उसमें मूलभूत जो जरूरत है एक पार्किंग की, पर्याप्त जगह की, उस पर भी फोकस किया जाए? बिल्कुल फोकस करने की आवश्यकता है महन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग की हम परमिशन दें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि उसमें ट्रैफिक की पार्किंग की व्यवस्था उसमें प्रॉपरली हो, ताकि गाड़ियां उसमें नीचे खड़ी हो जाएं। कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने चालू कर रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स में चालू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पार्किंग नहीं है, तो उस प्रतिष्ठान में आने वाले जितने भी ग्राहक हैं उन सब की गाड़ियां आखिरकार कहीं तो खड़ी होंगी। बिल्कुल, तो ऐसी गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाती हैं, और रोड पे खड़ी होती हैं तो हमारी रोड अब हमारी वाहनों के हिसाब से उतनी चौड़ी नहीं है, नहीं बराबर, तो ऐसी स्थितियों में ट्रैफिक में व्यवधान आना शुरू हो जाता है। तो पार्किंग के लिए अब हमें नए स्पेसेस ढूंढने बहुत जरूरी होंगे, और अब स्पेसेस हमें हॉरिजॉन्टल तो मिलने नहीं, तो अब जितना हॉरिजॉन्टल मिले उसको वर्टिकली ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो मल्टी लेवल पार्किंग्स की भी हमें अब चीजें करनी पड़ेंगी, और उनको जनता को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और
धीमे धीमे जितने हमारे रैपिड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम आते जाएंगे तो भी थोड़ा सा रोडों पे ऐसा सोचा जा रहा है कि ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कार्रवाई करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। क्या सर, ये मॉल संचालकों को भी आप इस तरह की पुलिस, इंदौर पुलिस हिदायत देगी कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे आने वालों की संख्या बेहद ज़्यादा है, गाड़ियों की संख्या भी उनकी तुलना में ज़्यादा है, लेकिन जगह नहीं है, तो उस वजह से रोड पर ही गाड़ियाँ पार्किंग होती है और इंदौर शहर की जनता भी काफ़ी परेशान है। बिल्कुल सही है, ये एनालिसिस करने की बिल्कुल आवश्यकता है कि गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं और उनका ट्रैफिक, इनका पार्किंग का स्पेस कितना है। तो इस एनालिसिस को जरूर हम लोग करना चाहेंगे और जिससे आम नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल ठीक है सर, इंदौर पुलिस लगातार यूं तो समाज को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाए है, इसके अलावा ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है, पार्किंग की जैसे हमने चर्चा की, BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको ऑपरेट करने के लिए, BRTS के ऑपरेशन के लिए पुलिस की मदद भी जिला प्रशासन ले रहा है, जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ पर ट्रैफिक के लिए वार्डन्स की आवश्यकता के तो ट्रेनिंग के लिए पुलिस की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा इंदौर पुलिस से ये भी मदद मांगी जा रही है कि जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक को शिफ्ट कराया जाए, बस लेन में बस चले और मिक्स्ड ट्रैक पर जो है दूसरा अन्य ट्रैफिक दौड़े, इसको लेकर के भी इंदौर पुलिस से मदद मांगी गई है। ये भी क्या लगता है एक चैलेंज होगा आने वाले दिनों में BRTS का ऑपरेशन आपके लिए? वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी महत्वाकांक्षी ये योजना है जी, जी, जी। जिसमें इंदौर शहर में बड़ी तेज़ी से बसें चलेंगी और ये बसेस आखिरकार शहर में चलने वाले अन्य ट्रैफिक के लोड को कम करेंगी, ऐसा जी, जी, सोचा गया, अनुमान लगाया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया जी, 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 तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बसें सुचारू चलें, सुरक्षित चलें, जनता आम नागरिक को इनसे कोई परेशानी ना आए, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कड़ी परीक्षा से ट्रैफिक पुलिस को भी इसमें गुजरना होगा और हम लोग तैयार हैं और लगातार BRTS अथॉरिटीज से हमारी बातें होती रहती हैं और ट्रैफिक को लेके तमाम चीज़ों पे चर्चाएं चलती हैं। बिल्कुल, सभी अधिकारियों की साथ में बैठ के समन्वय के साथ सारे कार्य किए जा रहे हैं, ये सोचा जा रहा है कि कैसे ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, BRTS अथॉरिटीज हमारी कितनी मदद और सब चीज़ों में कर सकती हैं, तो सब मिलके और सामूहिक रूप से इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे याद आता है कि उज्जैन यानी कि राजा महाकाल की नगरी में जब भी राजा महाकाल की सवारी निकलती थी तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए उज्जैन पुलिस की कमान आपके हाथों में थी और बतौर कमांडर आपने वहां पर बखूबी उस काम को, उस चुनौती को भी निभाया। इंदौर में अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जहां पर सुरक्षा में अनदेखी या कहा जाए सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं देखने में आती है और अक्सर मीडिया के कैमरों में इस तरह की चूक कैद भी होती है और खबर बनकर टेलीविजन पर या अखबारों के पन्नों पर छपती है। इंदौर पुलिस आने वाले दिनों में जो प्राचीन मंदिर हैं, जैसे इंदौर में अगर हम बात करें खजराना गणेश का प्राचीन मंदिर है, बिजासन माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, वहां की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कोई खास आपने एक्शन प्लान तैयार करें? देखिए बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि हमारे सभी मंदिरों में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सैलानी भी, सबके अपने अपने दिन भी हैं, उन दिनों में विशेष त्योहारों के दिनों में तो काफ़ी भीड़ आती है, चाहे वो हमारे बिजासन माता का मंदिर हो, देवगराड़िया में शिव मंदिर हो या हमारे खजराना गणेश जी का मंदिर हो, तो इन सब चीज़ों में पुलिस की चुनौती आवश्यक रूप से बढ़ी जाती है और एक एक्शन प्लान हम लोगों का पूरी तरह तैयार है कि जिसमें मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रख सके, उसमें तमाम तरीके से कोई ऐसी इमरजेंट घटना भी हो सकती है जिसको हम ये माने कि कोई बड़ी घटना हो, उससे भी निपटने की तैयारी हम लोगों ने अपनी ओर से सोच के रखी है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। एक बड़ा CCTV कैमरों का नेटवर्क जो मैं आपको बता रहा था उसमें मंदिर भी शामिल है, उसमें मंदिर और सभी धार्मिक स्थल जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं सभी धर्मों के, उनको हमने उसमें शामिल किया है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। इन दिनों ऐसा देखने में आता है अक्सर कि कॉरपोरेट जगत की जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं या कहा जाए जो बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं कॉरपोरेट जगत की, वो आपस में विरोधाभास के चलते या प्रतियोगिता के चलते एक दूसरी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ झूठे प्रकरण पुलिस में लगाने के लिए या उनके आवेदन जो है पुलिस तक पहुँचाए जाते हैं। ऐसे जो तमाम झूठे प्रकरण आते हैं, जो शिकायतकर्ता झूठी शिकायत लेकर आता है और जब पुलिस उसकी पड़ताल करती है और वाकई में कोई तथ्यात्मक उसमें चीज़ें सामने नहीं आती, तो ऐसे झूठे प्रकरणों की संख्या में कटौती करने के लिए क्या कुछ इंदौर पुलिस कदम उठा रही है सर? देखिए पुलिस के लिए तो जब कोई इस तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना लेके आता है जी, जी। तो कई बार हमारी बाध्यता है कि हमें वो मामले दर्ज करने होते हैं जी, जी। लेकिन मामला दर्ज हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ही काम है और इन्वेस्टिगेशन में कहीं किसी तरह की कोई रोक नहीं है, ये ओपन प्रोसेस है जी, जी। उसमें सभी लोग अपने अपने सबूत दे सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पक्ष भी जो पीड़ित है, वो पक्ष भी जिस पे आरोप लगाए गए हैं,
और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये फ्रीडम है कि वो इन दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अपना एक असेसमेंट बनाए जी जी बिल्कुल कि इसमें वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है क्या। अगर वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो उसको बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो उसका भी एक लीगल प्रोसेस है। आवश्यक नहीं है कि हर ऐसे मामले में जिसमें सच्चाई नहीं भी हो और हम उसमें कार्रवाई करें और गिरफ्तारियाँ करें। अगर मामले में सच्चाई नहीं है तो उसके मामले की तह तक जाकर उसको कानूनी रूप से निपटाने के पूरे प्रावधान हैं, उन तरीकों से काम किया जा सकता है। बिल्कुल। आने वाले दिनों में सर इंदौर पुलिस का एक्शन प्लान क्या होने वाला है? ट्रैफिक का चैलेंज अपनी जगह है, BRTS ऑपरेशन का चैलेंज अपनी जगह है, उसके अलावा समाज को सुरक्षित रखने का बीड़ा अपनी जगह है, उसके अलावा क्या एक्शन प्लान आपने तैयार किया है? चूंकि ये चुनावी साल कहा जा रहा है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी निगाहें टिकाए बैठे हैं, ऐसे में इंदौर पुलिस का आने वाले दिनों में क्या एक्शन प्लान रहेगा सर? देखिए, वास्तव में आने वाले दिनों में चुनाव और चुनाव से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ासतौर से मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान हमें अपना फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करना है, इसकी तैयारियां लगभग हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। अभी कम्प्लीशन की स्टेज पर नहीं है, लेकिन वो तैयारियाँ हमारी शुरू हो गई हैं। कितना फोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दी है, क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। सभी जिलों से ये रिक्वायरमेंट्स आएंगी, इसके बाद किसको कितना फोर्स दिया जाएगा वो तय किया जाएगा, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। तो ये सब तैयारियाँ, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और जो बड़ा लंबा प्रोसेस है, और लगातार वो हम उसमें काम कर रहे हैं। तो चुनाव सुरक्षित हो, स्वतंत्र हो जी। किसी तरह का कोई भय या दबाव का वातावरण ना हो, इन सब चीज़ों के लिए हमारी पुलिस कृतबद्ध है, और वो हम ऐसा माहौल ऐसा वातावरण देंगे कि स्वतंत्र सुरक्षित चुनाव हम करवा सके, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल, इंदौर शहर की जनता के लिए अपनी पुलिस का अपना वो खास संदेश क्या होगा जो DIG साहब राकेश गुप्ता जी बताना चाहेंगे, और इंदौर शहर की जनता से जो पुलिसिंग सिस्टम की अपेक्षाएं हैं उसको लेकर के आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि जो समाज भी भागीदार बने ताकि पुलिसिंग सिस्टम जो है वो सशक्त और मजबूती के साथ काम करता रहे, क्या आपका संदेश होगा? बिल्कुल, मैं हम लोग तो हमारा मोटो जो हमारा इंदौर पुलिस का है, आप जब हमारा डायल टोन सुनेंगे तो हमेशा हम बोलते हैं कि संकल्प सुरक्षा का जी जी, तो वो संकल्प सुरक्षा का इंदौर पुलिस का हमेशा ही है जी। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो इंदौर की जनता से हम लोग लगातार आह्वान करें, अब शहर बहुत बड़ा हो गया है और हम भी एक मेट्रो शहर की ओर बढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक बात। तो मेट्रो बन जाने के कारण जो मेट्रो की बुराइयाँ हैं वो भी धीमे धीमे शहर में आने लगती है, अपराध बढ़ने लगते हैं। तो इसके अलावा कई तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशंस प्रयास करती हैं कि वो शहर में कुछ अशांति ला सकें, यहाँ की शांत फिजा को खराब कर सकें। ऐसी स्थिति में जनता के सहयोग के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और इंदौर की जनता के लिए मैं बोलूँगा कि तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे वो मकान मालिक किराएदार से जुड़ी जानकारी हो या ऐसी कोई चीज़ जो संदिग्ध आपको दिखाई देती हो, इन सब चीज़ों के लिए आप हमें सूचित करें, और हमारा चाहे कंट्रोल रूम का 100 नंबर हो या संबंधित थानों के नंबर हो या हमारे नंबर हो, आप इनमें सूचना देंगे तो हम आवश्यक रूप से कार्रवाई करेंगे। तो एक अंतिम लाइन जो हम हमेशा बोलते हैं कि सजगता में ही सुरक्षा जी जी बिल्कुल, तो वो सजगता में सुरक्षा का आह्वान मैं इंदौर की जनता से करता हूँ, सजग रहें और आपकी सजगता में ही सभी की सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सिटी न्यूज़ के खास फोरम अपनी पुलिस में आप हाजिर हुए। तो ये थे इंदौर पुलिस के DIG राकेश गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर पुलिस का जो नारा है संकल्प सुरक्षा का, उसे पूरा करने के लिए इंदौर पुलिस बिल्कुल जी जान से डटी है, और जो समाज में विकृतियां आई हैं उनको लेकर के भी उनका चिंतन और संवेदनशील रवैया साफ तौर पर उनके श्रीमुख से निकली बातों में झलकता है। सिटी न्यूज़ के खास फोरम अपनी पुलिस में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी पुलिसिंग सिस्टम के एक और जांबाज अधिकारी के साथ। ताज़ातरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।